Hi guys, this is Karan, Verma and you are watching KAM Film in association with The Cinematic Life. And today we have Dada Saab Phalke Award winner, legendary fashion photographer of our industry, Jayesh Seth. Please have a look of his Bollywood career. फैशन फोटोग्राफर जयेश सेठ ने अपने करियर की शुरुआत की 1978 में। अपनी पहली नौकरी के तौर पर उन्हें स्टारडस्ट मैगजीन में काम करने का मौका मिला। 1990 के दशक तक आते आते जयेश सेठ फैशन फोटोग्राफी की दुनिया का जाना माना नाम बन चुका था। इन्होंने कई एक्टर्स को पहला ब्रेक दिलवाने में भी मदद की। 2011 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज ये जयेश सेठ स्कूल ऑफ फोटोग्राफी के नाम से अपना फोटोग्राफी स्कूल भी चलाते हैं। तो आइए उनसे कुछ और बातें जानते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम ग्लैड फॉर दैट। प्लेजर इज माइन। थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क दैट हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू गेट योर फर्स्ट ब्रेक। डिफिकल्टीज वाज ऑलवेज लाइक दैट, यू नो, मतलब टू पुट योर अटेम्प्ट्स, योर एफर्ट्स, योर टू लाइक यू नो गेट योर सेल्फ एक्सपोज्ड विथ योर क्रिएटिविटी टू सम मीडिया पीपल एंड ऑल दैट। इट वॉज ऑफकोर्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस बिकॉज उस वक्त क्या था कि मतलब मीडिया, जो प्रिंट मीडिया था, वो बहुत ही मतलब अहमियत में था। इट वॉज लॉट ऑफ वैल्यूज फॉर द प्रिंट मीडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड देर वर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फोटोग्राफर्स हु वर लाइक रूलिंग इन, आई वुड नॉट से रूलिंग, बट दे वर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट वर्क। I used to get inspired by those people's work. Okay. इतने अच्छे काम करते थे लोग, मतलब the high quality work. और वो देखते देखते ने ऐसा लगता था कि यार एक ख्वाब बन जाता था। वो टाइम पे रात को नींद नहीं आती थी कि लाइक एक दिन एक मैगजीन में एक फोटो के नीचे एक नाम आना चाहिए, बस। दैट वाज द अल्टीमेट ड्रीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ओके, मेरे जो सीनियर्स थे उस वक्त के, जो मतलब उनके जो लाइटिंग, उनकी जो मतलब फोटोग्राफी की जो स्टाइलिंग, और हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल स्टाइल्स होती थी। okay. पैसे नहीं होते थे, फिर भी जब भी वो मैगजीन्स आती थी स्टॉल्स के ऊपर, तो हम लोग रेलवे स्टेशन पे मैं जाता था और सारी जो किताबें मैगजीन्स आती थी, जैसे फिल्म फेयर थी, सिनेब्लिट्स थी, स्टारडस्ट थी, यू नो, ये सब मैगजीन्स के जब कवर्स आते थे ना, देखने के लिए मतलब पैसे नहीं थे तो खाली उसका कवर देख के फिर चलाता था। बहुत कमाल। मतलब उस प्रोसेस में एक ड्रीम मिला मुझे, ख्वाब मिला कि लाइक यू नो वन फाइन डे कि यार एक फोटो आनी चाहिए, एक फोटो के नीचे एक नाम। तो फिर आपने ऐसा नहीं सोचा कि मतलब बहुत बड़ी बात है, अभी भी बहुत सारे एस्टेब्लिश फोटोग्राफर हैं, आपका कोई बैकिंग नहीं था आई थिंक, फिर भी आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मेरे पास मतलब कोई बैकअप नहीं था, मेरी फैमिली कोई मतलब फिल्म लाइन से कोई जुड़ाव नहीं था, यू नो, माई फादर वॉज अ लॉयर एंड ऑल दैट, तो उनका कोई दूर दूर तक कहीं किसी का कनेक्शन नहीं था फिल्म लाइन से या किसी भी। तो उस वक्त फिर बहुत मुश्किल हो रहा था कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। देर वॉज नो एकेडमी, देर वॉज नो स्कूलिंग, देर वॉज नथिंग लाइक टुडेज़ टाइम, इट इज़ एवरीथिंग इज़ लाइक यू नो एक्सेस। वो टाइम पर एक्सेस नहीं था, और दूसरा ऑप्शन होता कि अब्रॉड जाके मतलब पढ़ के आओ या तो वो कुछ करो, बट वहाँ तक मतलब जाने की रीच आउट नहीं थी, फाइनेंशियल रीच आउट नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। तो उस वक्त ऐसा था कि मतलब एक रिलीफ फंड था, कुछ जुलूस निकला था फॉर सम नेचुरल कैलिमिटी हुई थी, उसके लिए सारे स्टार्स कुछ शिवाजी पार्क पे इकट्ठे हुए थे। okay. और वो रैली के अंदर मुझे लगा कि यार एक चांस है, ऐसे ही मतलब चले जाते हैं घर पे बैठने से, तो बेटर एक रैली अटेंड कर लो और वहाँ पे कुछ अगर शूट मिलता है तो लेट मी, आई वांट टू हैव एन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस क्या होगा। मैं चला गया सुबह से, मतलब अर्ली मॉर्निंग, मतलब निकल गया, मुझे पता भी नहीं था टाइमिंग क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ पेपर में पढ़ा था कि भाई ऐसे ऐसे कुछ भूकंप आया, अर्थक्वेक हुआ था कोयना का शायद था वो। तो वो मैं गया शिवाजी पार्क पर, इतनी भीड़ देखी मैंने पहली बार, मतलब ऐसे थे सारी, मतलब ट्रक्स थी और ट्रक्स के अंदर सब फिल्म स्टार्स जो भी थे, लाइक धर्म जी थे, विनोद खन्ना साहब, राजेश खन्ना जी, राजकुमार, तो उन मतलब सबको पहली बार देखा आपने? पहली बार देखा लेकिन पहचान नहीं पाता था क्योंकि सब वाइट ड्रेस में थे। अच्छा। और सब सबके चश्मे लगे हुए थे और सब कैप्स में थे। okay. तो मैं परवीन भाभी को समझ लेता था, ये तो रिनारो निकली। अच्छा। नो, ऐसा बहुत गड़बड़ हो जाती थी। तो इस तरह से जाके मैंने कुछ तस्वीरें खींची और आके मैंने अपना जो हमारा कैमरा जो रिपेयर करने वाला बंदा था उसको तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर दिखाई तो बोले कि अरे ये तो मैं जिनको कबीर बेदी समझता था, मुझे लगा कबीर बेदी का शॉट है। okay. और मालूम पड़ा वो टाइम के जो मैं जिनको चाहता था दिल से, जिनकी फोटोग्राफी को मैं बहुत नज़दीक से फॉलो करता था। okay. वो फोटो उनके थे। अच्छा। तो कोइंसिडेंट था, वो ड्रीम कम्स ट्रू बोलते हैं ना, कि अगर अपने दिल में कुछ मतलब पाने की अपनी है, तो वही एक्सपीरियंस मेरे साथ गुजरा है कि मैंने वो मतलब राहुल करके जो थे फोटोग्राफर, okay. मतलब मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करता था क्योंकि वो okay. इतने कमाल मतलब फोटोग्राफी करते थे, मतलब स्टार्स
जो थे उससे ज़्यादा मुझे उनकी फ़ोटोग्राफी में ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो बोला कि अरे तो राहुल भाई का, राहुल जी का फ़ोटोज़ तुमने निकाला। बोला ओ माई गॉड, आई वॉन्ट टू मीट हिम एनी हाउ। तो मैं उनका नंबर लिया उनके साथ, मतलब मिलने के लिए कम से कम मैंने 5-6 महीने स्ट्रगल की। पाँच छः महीने स्ट्रगल की बिकॉज़ ही वॉज सो बिजी। मतलब उस वक्त जो थे वो 3-3, 4-4 शिफ्ट में काम करते थे। ओके, ही वॉज एक्सट्रीमली बिजी, ही वॉज लाइक अ मतलब अल्टीमेट। तो मैं बोला कि मुझे मतलब आपसे, आपके साथ असिस्ट करना है। मैं एक बार मिला जब भी उनको तो बहुत हम्बल था मुझे इतने। ये आप किस ईयर की बात बता रहे हैं? 1977 में। तो दिस वाज माय बिगिनिंग, द जर्नी स्टार्टेड लाइक दैट। उन्होंने मुझे ऑफर दी थी, मुझे पता भी नहीं था, मुझे लगा फोटोग्राफी सिर्फ फोटोग्राफी होगा। बट ही गेव मी द गाइडलाइन कि फोटोग्राफी इज गॉट अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यू नो। तो तभी पता चला कि फोटोग्राफी में काफ़ी फील्ड है। तो पहली बार पता चला कि हर फोटोग्राफी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसके अंदर काफ़ी सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। पहली बार मतलब उन्होंने बताया कि आप बेशक मेरे साथ आइए लेकिन आप अपने हिसाब से मतलब कुछ कीजिए। तो उन्होंने थोड़ा बहुत फुटहोल्ड दिया कि लाइक यहाँ पे उसकी शूटिंग चल रही है, आप जाके शूट अटेंड्स कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। आई एम सो लकी टू लाइक यू नो आई गॉट टू फर्स्ट असाइनमेंट उन्होंने मुझे दिया था। तो राहुल जी ने मुझे रेकमेंड किया था कि आप जाके शोभा जी से मिल लीजिए, कुछ अगर होगा तो आपको बताएंगे। और जिस दिन मैं उनके ऑफिस में गया तो मतलब बोले कि अच्छा तो आप राहुल जी के साथ हैं। तो थोड़ा मुझे उसका बेनिफिट मिला कि मतलब जिनके साथ में था उनका एक बहुत रिस्पेक्ट था और बहुत बड़ा मतलब नाम था। तो वहाँ पे बोला कि आज शाम को कर्ज का, एक सुभाष जी की कर्ज फिल्म का मुहूर्त है। तो आप सिर्फ ना ऋषि कपूर जी का फोटो खींच के लेके आइए। उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज़ बोला था कि वंस यू टेक योर जॉब एज अ प्रोफेशन, इफ़ यू आर गेटिंग इन टू प्रोफेशन, यू आर नॉट अ फैन ऑफ एनीबडी, यू शुड टेक इट एज अ जॉब एंड नॉट एज अ फैन। वो मेरे दिमाग में बैठ गया। सो मेनी पीपल आई एम बींग फैन, बट यू नो उनके लिए भले एक जगह अलग होती है, बट यू नो वैन यू वेदर आई शूट विद अ न्यू कमर और ऑस्कर अवार्ड विनर रिचर्ड गियर, माई ट्रीटमेंट इज द सेम फॉर एवरीबडी। पहला जो आपका असाइनमेंट था वो ऋषि कपूर जी का पिक्चर आपको क्लिक करना था। अच्छा, ये मजे की बात है जी, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट मजे की बात ये है कि मैं तो चला गया उधर, जैसे शोभा जी ने बताया था, तो मैं चला गया कैमरा लेके और पहली बार देखा कि प्रेस की मीडिया और भीड़ भाड़ क्या होती है। आई वॉज वेटिंग कि अभी आएंगे। सो ही केम लिटिल, मतलब वो आए जैसे तो सब फोटोग्राफर्स जैसे टूटे उसके ऊपर, तो नेचुरली इट वॉज माई टारगेट, यू नो। तो मैं तो ऋषि जी के इतने सारे फोटो खींच रहा था, तो वो मतलब परख गया कि ये बंदा मुझे, मेरे इतना या तो फैन होगा बहुत बड़ा। Correct. मतलब मुझे पोज देने लगे वो। Correct. और वहाँ से जैसे वो एंटर हुए वहाँ तक से लेके उन्होंने शैम्पेन की बॉटल ऐसे ओपन की, वहाँ तक की पूरी सीक्वेंस मैंने शूट की। मोर देन लाइक यू नो अबाउट आई वुड से 8-10 रोल्स ऑफ 36 अबाउट 400-500 पिक्चर्स आई शॉट। और जाके मैं मतलब शोभा जी के टेबल पे रख दिए एंड शी लव्ड द पिक्चर्स। शी सेड इट्स अमेजिंग, योर वर्क इज लाइक रियली फैंटास्टिक, यू आर वेरी गुड पापराजी फोटोग्राफर। ओके, एंड दैट पिक्चर वाज देयर ऑन द मैगजीन। That picture, the first picture got published in the magazine. I was on cloud nine. Okay. I thought ke, like my dream has come true, thank God. I don't want anything more than this. और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब टीना मुनीम का फ़ोन आ गया था स्टारडस्ट की ऑफिस में या कुछ भी, तो कि लाइक वो फ़ोटो उनको बहुत पसंद आई थी। okay. टीना जी को, और वहाँ पे शूट चल रही थी कर्ज की फिल्मिस्तान स्टूडियो में। टीना जी बोले कि नो आई वांट टू शूट विद योर फोटोग्राफर जयेश सेठ, द न्यू कमर, दिस न्यू गाय। आई थॉट ओ माय गॉड, दिस इज अ डोर ओपनिंग फॉर मी। अब क्या होता था कि वो टाइम पे मैगजीन्स की राइवलरीज या तो मैगजीन्स का जो तौर तरीका है मुझे कुछ पता नहीं होता था। आई वाज एब्सोल्युटली न्यू, यू नो, टू मैनिपुलेशंस क्या होता है। तो आई वुड नॉट से मैनिपुलेशन, बट द ट्रिक ऑफ द ट्रेड्स क्या होते हैं मुझे पता नहीं था। और जब मैं सेट पे गया तो लाइक यू नो आई वाज वेलकम्ड बाय टीना जी के मेकअप रूम में गया, बिठाया मेरे को, चाय पानी ये सब आने लगा। तो लाइक आई वाज लाइक फीलिंग ओ माय गॉड, इट्स लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट, आई एम गेटिंग रिस्पेक्टेड नाउ, यू नो, एक रिस्पेक्ट आना शुरू हो गया था। उतने में सुभाष जी का फ़ोन आया, मतलब सॉरी उनका बुलावा आया कि चलो सेट पे आ जाओ। तो सेट पे गया तो मैं टीना जी के साथ गया, तो बोले कि अरे हाँ यार, हमारे गाने के अंदर बीच में एक फोटोग्राफर की जरूरत है, आप जरा थोड़ा कुछ फोटोग्राफ क्लिक कर देना ऑन स्क्रीन। तो मैं बोला ये तो कमाल हो गया, तो एक्ट करने पे मिल रहा है, यू नो। तो आप एक्टिंग के लिए इंटरेस्टेड थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई वाज ऑलवेज बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा ऑल द टाइम। उतने में बाद में एक फनी सा इंसिडेंट हुआ कि लाइक ऋषि जी के पास किसी ने बताया कि ये जयेश सेठ है जिसने वो स्टारडस्ट की फोटो खींची। तो मुझे बुलाया ऋषि जी ने, तो मैं मन में तो इतना खुश होते गया कि लाइक ऋषि जी शाबाशी देंगे, सबके सामने तारीफ करेंगे, यू नो, मैं एक ड्रीम वर्ल्ड में चला गया था मैं। और ऋषि ने बोला कि यू आर द वन, यू क्लिक माय पिक्चर फॉर स्टारडस्ट। आई सेड यस सर, मैं बहुत प्राउडली यस सर बोला।
तो बोला कि डिड यू टेक माई परमिशन फॉर दैट. सो मैं बोला कि ऋषि जी आई एम अ वेरी बिग फैन एंड लाइक यू नो आई वाज दिस थिंग. बोला बट लेकिन स्टारडस्ट में आपको देने से पहले आपको मुझे पूछना चाहिए. आई सेड आई एम रियली सॉरी सर, आई डिडंट नो द न्यू, आई एम वेरी न्यू फॉर द इन दिस फील्ड एंड आई डोंट नो यू नो हाउ इट फंक्शंस एंड ऑल दैट. बोला कि नथिंग डूइंग राइट नाउ, यू जस्ट गेट आउट ऑफ इट. ओके, आउट ऑफ द सेट. तो मैं जब ऋषि जी को बाद में, तो हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, यू नो लाइक आफ्टर दैट वी डिड कपल ऑफ लॉट मैनी शूट्स. नो बट यू डिडंट आस्क दैट व्हाई. मतलब व्हाई, मतलब कि बिकॉज दे हैड अ प्रॉब्लम, ऋषि जी हैड अ प्रॉब्लम विद स्टारडस्ट मैगजीन दैट टाइम. ओके, देयर वाज अ लीगल फाइट गोइंग ऑन रिगार्डिंग सम आर्टिकल एंड ऑल दैट स्टफ. सो इट वाज अ लीगल इश्यू वाज गोइंग ऑन बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द मैगजीन, व्हिच इवन द मैगजीन एडिटर नेवर टोल्ड मी. Okay, that is the problem. So, you know, so there you was just nothing become from, nothing about your photograph. Nothing like that. There was problem with it. It was problem because of that, you know, magazine publication and the artist. So, uske baad aapka kafi acha relation ho gaya Rishi. Bahut bahut, matlab Rishi ji matlab like, you know, I was like a family, very close family, like jab hi matlab when Ranbir got born, so like the first pictures I clicked of Ranbir in those years. Oh wow. You have done a photo session, photography of Mr. Ajay Devgan or Sanjay Dutt. Ajay Devgan jo hai Raj, हम लोग, मैं उसको राजू करके बुलाता था, इज बिकॉज आई टू नो हिम फ्रॉम राजू डेज. ओके, सो अजय वॉज ऑलवेज वेरी शाई विद द स्टिल कैमरा. मतलब स्टिल कैमरा और अजय देवगन का ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि मतलब ही पुट्स एफर्ट्स और ही लव्स गेटिंग इन टू द स्टिल फोटोग्राफी सो मच. ही एन्जॉयज बट नॉट सो मच. लाइक इवन द सेम विद संजय दत्त, यू नो ही कैन हार्डली स्टे यू नो फॉर अ मिनट और अ टू फॉर द स्टिल कैमरा. दैट इज द चैलेंज ऑफ फोटोग्राफर. चैलेंज ऑफकोर्स येस, यू नो, बट द थिंग इज यू नो टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैम इन लाइक जस्ट वन और टू मिनट्स. इट्स अ डिफिकल्ट जॉब ऑल्सो एट द सेम टाइम. इफ यू विजुअलाइज समथिंग फॉर लाइक, इन स्पाइट ऑफ दैट आई डिड लॉट ऑफ गुड पिक्चर्स विद संजय दत्त एंड ऑफकोर्स अजय देवगन ऑल्सो, बट इट वॉज नॉट के लाइक यू नो दे आर लाइक ऑल आउट फॉर इट. उस वक्त जो भी था, जैसे लाइक धर्म जी थे, ही वॉज वेरी पैशनेट फॉर द स्टिल फोटोग्राफी. धर्म जी थे, विनोद खन्ना जी थे. विनोद खन्ना जी तो वॉज लाइक अ वेरी कोऑपरेटिव, मतलब ही वॉज टू एन्जॉय बेसिकली. आई वुड नॉट से कोऑपरेटिव, बट ही वॉज लाइक टू एन्जॉय स्टिल फोटोग्राफी. एंड सर्टन स्टार्स वेर वेरी शाय यू नो फॉर द स्टिल फोटोग्राफी. दे वर एक्सट्रीमली गुड फॉर इन द सिनेमा, यू नो, विद मूविंग सब्जेक्ट्स, मूविंग कैमरा. बट फॉर द स्टिल कैमरा देयर टू ऑलवेज फील लाइक दे कुड नॉट थिंक बियॉन्ड समथिंग. सर, आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी फोटो सेशन किया है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? और आपने अपने मैगजीन के कवर पे एक लाइन थी, वन इज द ओनली नंबर. व्हाट इज दैट? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ शूट विद द ग्रेट लेजेंडरी अमित जी. दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, यू नो, एंड इट वाज हिज रीबर्थ शूट. बिकॉज आफ्टर दैट कोली इंसिडेंट, उनका पहला पब्लिक के साथ, मतलब मीडिया के साथ एक पहला फोटोशूट जो की करने का मौका मुझे मिला. सो आई वॉज वेरी नर्वस. ओके, वेरी ऑनेस्टली, ही जस्ट स्टार्टेड गेटिंग बैक इन टू वर्क. ओके, आफ्टर दैट, सो इट वॉज द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ आई थिंक पुकार मूवी और समथिंग लाइक दैट. रमेश बैल जी का पुकार मूवी था उनका लिए वो. तो हम लोग मतलब आजू बाजू सब लोकेशन देखे थोड़ा, तो आई लाइक कपल ऑफ लोकेशन नियर आर के एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो. फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, बिकॉज ऐसा मुझे चीज, यू नो, लाइक इट वॉज अ चैलेंज. सो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग इश्यू दैट टाइम. ये था कि मतलब उनका पूरा जो वार्डरोब था साथ में था, तो बोला कि जो भी आपको वार्डरोब जो पसंद है आप मतलब मुझे पहनने को बोलूँगे, मैं पहन लूँगा. इट वॉज लाइक कम्प्लीटली लाइक, यू नो, कि लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल डू इट फॉर यू गाइज. सो उसमें ना जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है. बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. हाँ, तो जवाबदारी इतनी बढ़ जाती है कि आप नर्वस हो जाते हो. एंड दैट टू लाइक अ लेजेंडरी लाइक अमित जी, जब भी आपको बोलते हैं कि लाइक, यू नो, आई एम एट योर दिस थिंग, आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ फॉर द फोटोशूट. ओके, तो वहाँ पे हम लोग ने कुछ फोटोज़ किए, ये किए. फिर मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, आई एम नॉट गेटिंग सो मच एंथू हियर. तो हम लोग हाईवे पर चले जाते हैं, रास्ते के बीच में शूट करना चाहूँगा मैं. Okay. मतलब रास्ते के पास एक रेलिंग है और मैंने देखा हुआ था वो स्पॉट नज़दीक में ही है, कुछ 10 मिनट का ड्राइव है, तो हम लोग चले जाएंगे. ही इमीडिएटली कोऑपरेटेड. ही सेड, व्हाट यू वांट मी टू डू दैट? आई सेड, यू जस्ट वेयर समथिंग इन वाइट्स एंड ऑल दैट. तो ही गेट सम नाइस वाइट जैकेट एंड वाइट ट्राउजर. और जैसे हम लोग शूट कर रहे थे, तो ही वॉज नाइसली लीनिंग अगेंस्ट द रेलिंग. इट इज़ स्टिल लाइक माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शॉट एवर. ओके, वो मैं जैसे देख रहा था, उसमें से पीछे से जो जैसे धक्का लगा, और बिफोर आई कुड सी माई फ्रेम एंड इंस्ट्रक्ट एंड डायरेक्ट अमित सर, उसके पहले अमित सर चले गए वहाँ से. तो फ्रेम में कुछ नहीं था, खाली लैंडस्केपिंग दिख रहा था. उन्हें पीछे जाके मुड़ के देखा, तो पूरा जो हाईवे था वो पूरा पब्लिक से जैम पैक हो गया था. ऐसे भीड़, मतलब बस में से जो लोग ऐसे उतरे थे, जैसे मतलब कि
कुछ राइट हो गया है. प्रवीण करके जो उनके जो खास बंदे हैं, उनके जो साथ हमेशा रहते थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप यहाँ से निकल जाओ, हम लोग पहुँचते हैं बैंड्रा केतनो. तो केतनो थिएटर में आप आ जाओ, वहाँ पे मतलब बाकी का शूट जो भी है हम लोग वहाँ करेंगे. और वहाँ पे हम लोग ने एक मतलब बहुत ख्वाहिश था वो टाइम पे कि एक एम्प्टी थिएटर है केतनो का जो थिएटर था, मुझे वो प्रीव्यू थिएटर था वो मुझे चाहिए था कि पूरा सारे चेयर्स जो हैं वो एम्प्टी है और बच्चन साहब शॉल लेके वहाँ पे बैठे हैं. तो वो भी मैंने उधर एक मुझे शूट करने का मौका मिला. ही वुड लव दोज पिक्चर्स. ही वॉज एब्सोल्युटली लाइक स्टंड बाय द पिक्चर्स एंड ही सेड दिस इज द इमेज आई यू नो आई लव टू लाइक पोर्ट्रे. ही टू इंस्ट्रक्टेड रॉफ साहब की लाइक यू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस. हम लोग हमेशा व्हेन आई शूट द पिक्चर्स आई ऑलवेज लाइक टू डिस्कस विद माई एडिटर एंड ऑल दैट. तो मेरे मुँह से ऐसे निकल गया कि नंबर वन. तो ही ऑल्सो अगेन लाइक यू नो सेड ऑफकोर्स इज नंबर वन इज द ओनली नंबर. आपने रेखा जी का भी शूट किया है तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? और मैंने सुना है कि आपने आई थिंक 2 या 3 साल तक कंटिन्यूअस हर महीने उनका शूट किया है. व्हाट वाज द रीजन? आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मतलब आई एम नॉट लाइंग, बट द थिंग इज लाइक रेखा जी का मैं दिल से मैं उनका जो फ़ैन रहा हूँ. मतलब जब भी मैं फोटोग्राफी शुरुआत करके इस इंडस्ट्री में आया तो तब से मतलब रेखा जी की तस्वीर देख के तो मतलब ऐसा लगता था कि इट्स लाइक अ फैंटेसी फॉर मी, लाइक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ अ थिंग फॉर मी. कि लाइक जिंदगी में कभी बाय चांस अगर मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का, सो दैट डे विल बी लाइक माई बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. आज भी मतलब काफ़ी फोटोग्राफर्स के जहन में नसीब में वही होता है कि लाइक एक बार रेखा जी के साथ काम करने का मौका मिल जाए. वैसे मुझ में भी था. और मैं हमेशा, मेरी एडिटर थी तभी जी मैगजीन की भावना सोमया जी, उनको मैं हमेशा बोलता था कि यार रेखा जी के साथ एक शूट करने को मिले. देन आई जस्ट रेखा जी के साथ मतलब मेरा जब भी मौका मिला काम करने का, एंड उसके पहले उन्होंने मेरे काफ़ी काम देख चुके थे. मेरे को फर्स्ट मौका मिला उनके साथ काम करने का आई थिंक अराउंड 1992 या 1993 में. मतलब 10-12 साल तक वो सिर्फ मेरे फोटोग्राफ देखती थी, फिर वो जो आर्टिस्ट होती थी उनको बोलती थी कि लाइक नो यश इज डन अ ग्रेट जॉब ऑन यू. यू नो सडनली मुझे फ़ोन आया, मैं स्टूडियो में था, आर यू अवेलेबल इन दिस वीक? सो आई सेड ऑफ कोर्स यस. तो बोला कि मैडम वांट टू डू अ शूट विथ यू. मेरे हाथ से फ़ोन थोड़ा सा कांपने लगा. इट वॉज अनबिलीवेबल. आई जस्ट कुड नॉट, आई कुडंट से कि लाइक आई सेड लेट कम राइट अवे. मतलब दैट वॉज माई अप्रोच. आई एम वेटिंग, माई यू नो माई डोर इज ओपन फॉर यू राइट अवे, यू नो. बिकॉज आई वॉज टू एक्साइटेड. तो बोला कि नहीं, आप 2 दिन के बाद वापस हम लोग फ़ोन करके फिर टाइम फिक्स कर लेंगे. आई वॉज वेटिंग फॉर द डे. मतलब वो 2-3 दिन तो मतलब रात ना, मतलब नींद हराम हो गई थी. मतलब ऐसे ड्रीम्स आने शुरू हो गए थे कि कैसे शूट होगा, क्या होगा, हाउ लाइक यू नो गिव माई बेस्ट टू हर, यू नो. तो ये हमेशा एक क्रिएटिव बंदे के मतलब हम लोग के उसमें रहता है. वैन शी केम इन माई स्टूडियो द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर, तभी मेरा स्टूडियो बैंड्रा एक गैराज में था, वो मैंने हायर पर लिया था. When she entered and she said, wow, it's a nice studio. It's very good. So I was confused. मेरा जब first shoot था तो भी मैं थोड़ा confused था कि मैं उनके लिए lighting क्या करूँ. Already तो मतलब इतना सारा shoot कर चुकी थी वो. So I was complexed, honestly. You know, मैं थोड़ा complexity में था कि like इतने बड़े बड़े लोगों से काम किया उन्होंने तो उनको तो मतलब expectation शायद इतनी ज़्यादा होगी कि शायद मैं इसमें कामयाब नहीं भी हूँ. और जब भी contact sheet दी मैंने और she said nice pictures and all that, very good. उसके बाद कुछ आगे रिस्पॉन्स नहीं आया. ओके. तो आई वॉज डैट श्योर कि लाइक इट इज़ द एंड फॉर मी. उसके 2 साल बाद फिर एक बार हमारी मीटिंग हुई. 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स. ओके. तभी बोला कि नहीं जयेश, वो पिक्चर्स अच्छी थी बट आई यू नो हम लोग को और काम करना पड़ेगा. Okay. हम लोग को और मेहनत करनी पड़ेगी. ग्रेट. सो आई सेड डेफिनेटली मैम, यू नो. तो बोला कि आपके जो मतलब उस वक्त हम लोग ने स्टूडियो में शूट किया था, तो बोला कि इस वक्त आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है आउटडोर का और आपकी इवनिंग लाइट का, हम लोग उससे शुरू करते हैं. और वो शूट जो था दैट वाज द मतलब जर्नी ऐसी चली कि इट्स नेवर एंडिंग. आप पर एक बहुत ही सीरियस आरोप लगा है कि अक्षय कुमार से ही इतनी बड़ी दुश्मनी क्या थी कि 18 महीने तक आपने उनसे असिस्टेंट का काम कराया बिना पैसे दिए. इसके बारे में सारे लोग जानना चाहते हैं. ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कोई दुश्मनी नहीं थी. किस्सा यह था कि मतलब वो मेरे नेबर थे. Okay. मेरे 2 बिल्डिंग छोड़ के वो रहते थे. Okay. और मेरे असिस्टेंट्स को वो हमेशा पूछते रहते थे कि यार जयेश जी को प्लीज़ बोलो ना, मेरे को मिलना है. अच्छा. क्योंकि मैं उस वक्त ना मेरा 3-3 शिफ्ट में काम चल रहा था. मतलब आई वॉज टू लाइक ओवर बिजी, आई वुड से लाइक सो मेनी शूट्स आई वॉज टू लाइक
not as a film shoot, but you know, I used to cover there lot many things, and plus I was very busy with my magazine also. Correct. So I had no time for all that. And my assistants रोज आके मुझे बोलता था कि यार एक मेरा दोस्त है राजू राजीव भाटिया बोल के, तो प्लीज़ उनको आपसे मिलना है मिलना है. मतलब ऐसा कुछ तीन चार महीने सब चलते रहा. ओके. एक बार मुलाकात हुई जब भी, मतलब ये जो सलमान खान के जो बॉडीगार्ड हैं आज शेरा जो है, हाँ. राजीव भाटिया और उसको लेके आए थे. अच्छा, वो लेके आए जी. और वो लेके आके बोले कि यार जयेश इसका पोर्टफोलियो करवाना है. ओके. तो बेसिकली बात हुई थी उनकी पोर्टफोलियो की, जो मैंने बताया था कि मुझे समय मिलने पे मैं बिल्कुल मतलब अपना टाइम डाइवर्ट करूँगा. उसके बाद राजीव से मतलब दोस्ती थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, मतलब हल्के हल्के वो मतलब आने लगे. जब भी मैं फ्री था तो मतलब घर पे आते थे थोड़ा कि सर मुझे आप कुछ आपके साथ घूमना है, मैं आपकी लाइट उठा लूँगा सर, जैसे बहुत okay. लोग बोलते हैं यू नो, जिनका क्योंकि उनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक लेना देना नहीं था, कोई जानता नहीं था. जैसे मुझे, मैं जब लाइन में आया मुझे भी कोई नहीं जानता था. तो मैं उस बात के ऊपर मतलब राजी हुआ कि चलो जैसे मेरा टाइम था मुझे कोई नहीं जानता, तो आज मेरा एक लेवल है तो ठीक है, अगर साथ में घूमना है तो मतलब ऐसे तो खाली खड़े रह के तो शूट देखने तो कोई स्टार मतलब एम्बरेसिंग फील करते हैं. right. इस बार उन्होंने बताया कि लाइक यू नो मतलब आई विल हेल्प यू आउट, मैं रिफ्लेक्टर कर लूँगा, ये कर लूँगा, लैब में जाऊँगा. तो उनका मतलब ये था. और मुझे अक्षय की मतलब जो राजीव भाटिया उस वक्त थे, मुझको उसकी डिसिप्लिन, उसकी जो मार्शल आर्ट्स की ये सब जो एक्सरसाइज करना मॉर्निंग का ये सब चीज़ थोड़ी मुझे अच्छी लगी, डिसिप्लिन एक्ट वगैरह बहुत अच्छा okay. लगा था. तो मैं लगा कि चलो ठीक है आप साथ में आओ, लेकिन देखता कहीं मतलब जहाँ पे मतलब मैं बोलूँ उतना ही काम करना, मतलब ज़्यादातर नहीं था. पोर्टफोलियो की बात ये थी कि उसमें कुछ मतलब उसमें कुछ पैसे की कुछ एज एन एक्सपेक्टेशंस का कुछ मुझे नहीं था ना उनको था, उनको भी मतलब दुनिया देखनी थी, फिल्म इंडस्ट्री देखनी थी, कोई जरिया नहीं था उसके पास, कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं था. उस टाइम आपकी फ़ीस कितनी हुआ करती थी? उस वक्त के ज़माने में मैं चार्ज करता था 40,000. 40,000. जी. ओके, प्लीज कंटिन्यू. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो मतलब ये था कि लेकिन मेन जो गाड़ी अटकी थी वो यहाँ अटकी थी. अक्षय कुमार जो थे उनको मुच्छी बढ़ाने का बहुत शौक था. अच्छा. और उनकी मुश्ताच हुआ करती थी. ओके. वो मुश्ताच रखते थे बिकॉज पंजाबी में तो एक यह होता है मर्दानगी की निशानी होती है. Correct. और मैं मतलब बोलता था उनको कि जब तक आप मुश्ताच निकालोगे नहीं तब तक मैं शूट नहीं करूँगा. अच्छा. ये बात के ऊपर 18 महीने निकल गए. ये बात के ऊपर 18 महीने निकलते निकलते मतलब बीच में मतलब ऐसे ही लाइटें पकड़ना, मेरी लैब में जाना, ये सब सिलसिला चलते रहा. फिर 18 महीने बाद मूछ निकली या फिर कंप्रोमाइज? 18 महीने बाद मूछ निकली. अरे वाह. और क्लीन शेवन पिक्चर्स मैंने जब किया उनका, तभी शेरा भी साथ में था हमारे साथ. मैं, शेरा और अक्षय कुमार हम लोग गए थे मड आइलैंड पे. ओके. और वहाँ पे पूरा शूट किया था हम लोग ने. और जब ये फोटो आए थे, वो लैब वाला आज भी बेचारा याद करता है, सुनील नाश्ता हमारा लैब वाला था, उसके पास अक्षय जाके इतनी बड़ी बड़ी फोटो बना के रात भर बैठा था एक्साइटमेंट में okay. कि मेरी तस्वीर कैसे आएगी. एंड टिल डेट वो बोल, सुनील नाश्ता जो मेरा लैब वाला बोलता था कि वो अक्षय बार बार फोटो ऐसा देख रहा है, घुमा के ऐसा देख रहा है, मतलब ही कुड नॉट बिलीव हिमसेल्फ. दैट वाज हिज बेस्ट पिक्चर आई वुड से इन द एज अ बिगिनर, एज अ न्यू कमर. ओके. एंड दैट टू विदाउट अ सिंगल पैनी. इट वाज नॉट फॉर एनी कॉम्पनसेशन. मतलब ये नहीं कि मेरे साथ काम किया तो मैंने उसको पैसा नहीं दिया, मतलब वो कुछ बात ही नहीं थी. Correct. इसके लिए मतलब एक डेडिकेशन था मेरा उनके प्रति कि लाइक एक बच्चा जो मतलब ईमानदारी से जाना चाहता तो मुझे उसको मिसगाइड नहीं करना चाहिए. तो ये मेरा कहना था कि आप जब तक मुश्ताच नहीं निकालोगे तो आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत नेगेटिव में जा रहा है. अगर आपको हीरो बनना है तो उसके लिए मतलब आप मुश्ताच निकालो तो ही आपका एक क्लीन शेवन जो असली चेहरा जो मतलब जो एक गोरा चिट्टा पंजाबी एक गुड लुकिंग इमेज है आपकी बाहर आएगी. दिस वाज द रीजन बिहाइंड दिस. आरोप नहीं है ये. इनफैक्ट लाइक यू नो क्या था, मेरे पास उस वक्त फोन भी नहीं था. Okay. तो मैं मतलब खाली इतना हमारा व्यवहार था कि अक्षय हमेशा मतलब एक्साइटमेंट में बोलता था अरे आज मतलब ऋषि कपूर का शूट है चलो जाना है, क्योंकि फोन मैंने उनका दे के रखा था. तो हमारा केयर ऑफ फोन नंबर जो था वो अक्षय कुमार जी के घर से होता था. okay. तो ऐसा हुआ, जब भी फोटोग्राफ आई तो जब भी पहली बार मैंने अपने मैगजीन के जो एडिटर थी भावना सोमाया जी उनको फोटोज दिखाए, वो फोटोज देख के बोली कि लाइक वाह जयेश ये कौन है ये? मैं बोला ये वही लड़का है जो मुस्ताच लेके घूमता था ना अपना राजू भाटिया, वही है. और मैंने उनको पर्सनली रिक्वेस्ट किया. Okay. मैंने बोला कि क्योंकि मेरी पोजीशन थी वो टाइम पे, मैं लेवल में था. Correct. तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बोला कि हम सब स्टार्स के मतलब फोटोग्राफ्स कर कवर पे छापते हैं, मतलब कवर नहीं करना है लेकिन एक छोटा सा ऐसे कॉलम शुरू करो कि जहाँ पे न्यूकमर्स को एक मतलब एक प्लेटफॉर्म मिले. क्योंकि उस वक्त एक प्लेटफॉर्म था ही नहीं न्यूकमर्स के लिए. न्यूकमर्स के लिए एक मैगजीन में प्लेटफॉर्म नहीं था. और हम लोग ने चालू किया था टाइम विल टेल. ये टाइम विल टेल में सबसे पहला फोटो अक्षय कुमार का एज अ राजीव भाटिया आया.
with one photograph of his and his article with that. ऐसा भी कहा जाता है कि जो उनको पहला ब्रेक था जी वो भी आप ही के थ्रू मिला. दीदार में जो ये था कि मतलब प्रमोद चक्रवर्ती के पास जो उनके मेकअप दादा है नरेंद्र जी, उनका पहचान था चक्कीदा के साथ, तो उनको लेके गए उधर. उनकी मुलाकात हुई तो अक्षय ने बताया कि जयेश तू भी साथ में चलना. पहली मीटिंग हो गई, फिर नेक्स्ट मीटिंग में बोला कि वो फोटो सब अच्छे लगे उनको, लेकिन दादा आपसे मिले आप साथ में आओ तो अच्छा रहेगा. okay. तो मैं गया था चक्कीदा से साथ मिलने को. तो मेरे सामने ही बात हो रही थी मतलब कि जयेश लड़का तो अच्छा है, अच्छा शूट किया है तूने, हीरो लायक है, सब बात तो ठीक है, लेकिन इसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो फिल्म से जुड़ा नहीं है, मैं किसको जानता नहीं हूँ. हालांकि मेरा नाम हो गया था वो टाइम पे, लाइक इंडस्ट्री में लोग काफ़ी लोग पहचानने लगे थे और लोगों को विश्वास था मेरे पे. और मुझे बताया कि लाइक अरे मतलब मस्ती में बताया था उन्होंने कि लाइक कल उठ के शादी कर लेगा, गर्लफ्रेंड पाल लेगा, चला जाएगा, भाग जाएगा, तो मैं किसको पकड़ूँ. मैं बोला गारंटी मेरी सर. अच्छा हाँ, राजू को बोला था कि देख ये जो फिल्म का है ना, इसमें कहीं भी कुछ भी मतलब जवाबदारी मेरी तोड़ना, मत रिस्पॉन्सिबिलिटी मत तोड़ना. तो ये सब बातें हुई और उनको फर्स्ट वीक में उनकी एक फियाट गाड़ी थी, वो मतलब एज अ साइनिंग दिया था. क्या बात. और उनको नाम दिया था अक्षय कुमार का. और पहली बार जब भी मतलब उनके लिए हम लोग हीरोइन ढूंढ रहे थे. okay. वो दीदार के लिए, और हीरोइन कोई मिल नहीं रही थी. एक नगमा करके, नगमा जो हीरोइन थी, वो नगमा को मैंने रिजेक्ट किया था दीदार के लिए. अच्छा. कभी ऑडिशन मतलब नहीं होता था, सिर्फ मतलब फोटोज के साथ फोटोग्राफर का जजमेंट से वो लोग डिसाइड करते थे. तो हम लोग ने ऑडिशन मतलब ऐसे ही स्टिल शूट किया था और अक्षय भड़क गया था मेरे पे, अरे अच्छी खासी लड़की थी तूने यार मेरा मतलब काम अटका दिया, तूने ये कर दिया, मतलब अरे यार मेरा क्या होगा, आप अभी नई दूसरी हीरोइन कहाँ से मिलेगी, ये वो सब चल रहा था. okay. तो मेरा प्रोजेक्ट अटका दिया तूने. मैंने बोला ऐसी बात नहीं है, तू वेट कर. और उसी वक्त करिश्मा कपूर के घर पर हम लोग गए और पहला फोटो शूट दीदार के लिए करिश्मा कपूर के साथ जब शूट किया था तो अक्षय के हाथ कांप रहे थे ऐसे. और मैं बोलता था कि पकड़ यार तेरी हीरोइन है, तो okay. मतलब उसको कॉन्फिडेंस बहुत दिलाया. इनिशियली ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट, मतलब कि एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, कि लाइक यू नो दिस इज अ वेरी बिग ब्रेक फ्रॉम अ नॉन फिल्म इंडस्ट्री पर्सन. वो फिल्म इंडस्ट्री का बिल्कुल बंदा नहीं था, जिनको इतना बड़ा फिल्म का ब्रेक मिलता है, विच इज अ वेरी बिग थिंग. आई कैन अंडरस्टैंड के लाइक यू नो दैट नर्वसनेस एंड दैट whatever. अभी कैसा लगता है सर, अक्षय कुमार एकदम बड़े सुपरस्टार बन गए? आई फील रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी प्राउड ऑफ हिम. अभी भी वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके करियर में आपका बहुत बड़ा, उन्होंने अपने काफी इंटरव्यू में बताया, अभी अनुपम खेर जी का भी इंटरव्यू में उन्होंने बताया है और प्रीति जिंटा जी का एक इंटरव्यू था उसमें भी उन्होंने जताया था. लेकिन मैंने कभी उनको नहीं बोला कि मेरे बारे में कुछ बोलो ये करो. आई नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी दैट वे. सो लेट्स टॉक अबाउट योर डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. सी एज अ डायरेक्टर मैंने एक फीचर फिल्म कंप्लीट की, रोल साउंड कैमरा एक्शन, जो मतलब द बॉलीवुड जर्नी अबाउट हाउ दिस न्यू पीपल द न्यू कमर्स एंड ऑल दैट, उनके बेस के ऊपर मैंने एक फिल्म बनाई और फेस्टिवल्स में अच्छा रिस्पांस मिला मुझे. लाइक मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल में उसको ऑफिशियल सिलेक्शन मिला, सैन फ्रांसिस्को में उसको अवार्ड मिला और लॉस एंजल्स एलए में भी उसको बेस्ट प्रोड्यूस्ड मूवी के लिए अवार्ड मिला. तो आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट कि लाइक यू नो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरनेशनल लेवल पर चली गई. Okay. You know, which was my, actually, again, it was my dream. Yes. When this Montreal official screening ka jabhi humko, matlab unka email aaya, I was in tears. I was honestly in tears because after all these years, matlab main jo bhi meri journey shuru ki thi, to mera journey tha as a filmmaker hone ka. Okay. It was a long journey I went through. Correct. To get this day in my life. So it is more than any crores or anything, you know, I feel that. Like, you know, just for me, the money was not everything ever. And when this news came to me, I thought it's like an Oscar for me. Biggest achievement. Biggest achievement, I would say. Absolutely. So now with that confidence, you know, I got a couple of more offers I'm getting through. I'm panning down a couple of subjects which I want to like zero down eventually. Okay. As a filmmaker. जब मैं वहाँ पे गया, you know, international level पे गया, तो तभी मैं देखो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे content is very big. Then any stars, you know. आपकी content हो और आपकी जो चीज़ हो उसी में आप star हो. Correct. So that I realized and I felt really blessed and really great. So guys, thank you so much for watching this. And again, we will come up with a new person, new celebrity. Meanwhile, you please keep watching KAM Films. Thank you so much.